नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम लोग मेलाज्मा ये बीमारी के बारे में बात करेंगे कि मेलाज्मा होने की क्या क्या वजह है और इसको आपको जड़ से ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। हम लोग हमारे चैनल पर स्किन, हेयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से संबंधित वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेलाज्मा ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें डार्क ब्राउन कलर के पैचेस हमारे स्किन पे दिखते हैं और वो ज़्यादातर गालों पे, माथे पे, नाक के ऊपर, फिर अपर लिप्स यहाँ पे दिखते हैं। उसके अलावा ये गर्दन या हाथों पे भी दिख सकते हैं। मेलाज्मा ये ज़्यादा कॉमनली महिलाओं में होता है। ये पुरुषों में भी होता है बट ज़्यादातर ये महिलाओं में ही कॉमनली दिखता है। मेलाज्मा में एग्जैक्टली क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। हमारे स्किन में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है। हमारे स्किन का, हेयर का और हमारी आँखों का जो कलर है वो मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है कि मेलानिन की मात्रा जितनी ज़्यादा उतना आपके स्किन का कलर डार्क और मेलानिन की मात्रा जितनी कम उतना आपके स्किन का कलर लाइट होता है। मेलानिन जो सेल्स बनाते हैं उनको मेलानोसाइट्स बोलते हैं। जब ये मेलानोसाइट्स का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तब वो ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनाने लग जाता है और इसी की वजह से हमारे स्किन पे ये डार्क या ब्राउन कलर के पैचेस हमको दिखते हैं। ये मेलाज्मा होने के क्या क्या कारण है वो अभी हम जान लेते हैं। पहला कारण है जेनेटिक, मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को मेलाज्मा है तो आपको भी ये मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये मेलाज्मा काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट मेलाज्मा को मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। फिर अगला जो कारण है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियाँ। ये गोलियाँ अगर आप काफ़ी समय से खा रहे हो तो आपको ये फिर मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ महिलाएँ हार्मोनल थेरेपी पर रहते हैं तो उनको भी ये मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला जो कारण है वो है सन एक्सपोजर। सूर्य से निकली हुई जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो अगर आपके स्किन पे पड़ती है तो उसकी वजह से भी ये मेलानोसाइट्स ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनाते हैं और आपको ये मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। पर उसके अलावा अगर आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑलरेडी मेलाज्मा है और अगर आप धूप में जाते हो बिना सनस्क्रीन के तो उसके कारण ये मेलाज्मा और ज़्यादा डार्क दिखने लग जाता है। अगला जो कारण है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। अगर आपके खाने में आप ऐसे फूड इंक्लूड करते हो जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है या शुगर की मात्रा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स ये आपके खाने में ज़्यादा है तो आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी मेलानोसाइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनाने लग जाते हैं। इसीलिए PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये बीमारी में भी मेलाज्मा हमको दिखता है। PCOD या PCOS होने का कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अभी हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। ट्रीटमेंट लेने के पहले इसका कारण आपको जानना है कि किस वजह से आपको ये मेलाज्मा हो रहा है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये मेलाज्मा हो रहा है तो आपको फिर ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी काफ़ी बार ये खुद से ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से ये मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो गोलियां बंद करनी पड़ेगी। फिर अभी हम देख लेते हैं इसका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है या जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है वो क्या अवेलेबल है। एक तो है केमिकल पीलिंग और दूसरा है लेज़र ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा पर ये ट्रीटमेंट आपको बार बार करनी पड़ेगी। ये कोई परमानेंट इलाज या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर बाकी ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे स्किन स्पेशलिस्ट कुछ एक्सटर्नल क्रीम्स आपको लगाने के लिए देते हैं। स्किन लाइटनिंग क्रीम होती है या स्टीरॉयड वाली कुछ क्रीम होती है, पर ये सारे जो क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है और उससे स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसी क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए। इनफैक्ट जो भी लोग इसको लगाना बंद कर देते हैं उसके बाद ये मेलाज्मा की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मेलाज्मा नए नए जगह पे आता है और ज़्यादा डार्क भी हो जाता है। इसके लिए ऐसे क्रीम्स लगाना आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको मेलाज्मा कुछ इंटरनल हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ है या
पीसीओडी की वजह से हुआ है और आपने काफ़ी ट्रीटमेंट ऑलरेडी इसके लिए लिए है और आपको इसमें कुछ आराम नहीं है, तो फिर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो होम्योपैथी में ऐसी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो आपको भी अगर मेलाज़मा या स्किन की कोई भी क्रॉनिक बीमारी है तो आपके नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। अगर आपको मेलाज़मा बहुत ही हल्का है और या रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो फिर उसका आप घर पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो सनस्क्रीन, आपको रेगुलरली सनस्क्रीन, जैसे कोई भी कारण हो मेलाज़मा का, पर आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। घर के अंदर भी अगर आप हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, बट अगर आप घर से बाहर हो तो आपको हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन वापस लगाना चाहिए। और उसके साथ आप विटामिन सी सीरम भी रेगुलरली लगा सकते हो। विटामिन सी सीरम आपको रात में लगाना है। हमने विटामिन सी सीरम घर पे कैसे बनाते हैं उसका एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और वो विटामिन सी सीरम ये पिगमेंटेशन को कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदा करता है। साथ आप फिर विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते हो, या जो जो खाने में विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा है वो आपके खाने में आप इंक्लूड करिए, जैसे कि नट्स है, सीड्स है, या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो आपके खाने में आप ज़्यादा इंक्लूड करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।